नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश स्थित ताजनगरी आगरा में हुए आज एक डबल मर्डर हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। हत्याकांड की घटना के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि यह घटना आगरा स्थित थाना एतमादौला की गढ़ी चांदनी क्षेत्र की है। मृतक की पहचान शिवम और पूजा के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते दिन दहाड़े सरेआम युवक शिवम और पूजा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी है। इस साथ जांच में शामिल अधिकारियों के अलावा किसी अन्य को घटनास्थल के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। इस दौरान हालात बिगड़ने की शंका को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हत्याकांड मामले में पुलिस की जाँच जारी है। जाँच के आधार पर ही अब हत्याकांड के असल कारणों का पता लगा जाएगा। फिलहाल इस डबल मर्डर हत्याकांड को अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक शिवम की चांदी की कारीगर है तथा मृतक युवती पूजा उसके पड़ोस की रहने वाली है। दोनों की सरेआम हत्या के बाद आसपास के लोग डरे हुए हैं। पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड टीम की मदद से घटना के मद्देनजर साक्ष्य जुटाने का प्रयास जारी है। फिलहाल अभी तक कोई खास सबूत हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ और डॉग स्क्वाड टीम के अलावा मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर ADG, DIG, पुलिस अधीक्षक सहित शीर्ष पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस द्वारा मामले की हर पहलू पर जांच की जा रही है तथा अधिकारियों द्वारा जल्द ही आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। घर में एक दोहरे मर्डर की घटना हुई है, क्या है मामला? ये थाना एतमादौला का सुशील नगर है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक शादीशुदा युवती जिसका लगभग शादी को 7 वर्ष हो गए थे और उसका तथाकथित प्रेमी, उन दोनों की हत्या युवती के ससुराल वालों ने की है। उसके देवर पति और जो उसका ससुर है उनके द्वारा उन्हें हिरासत में लिए गए हैं इस केस में, और उनके द्वारा जो आला कतल है उसे भी बरामद किया गया है। जो डंडे वगैरह जिससे उन्होंने सिरवेर पे मारे थे वो भी बरामद किया गया है। और जैसा कि बताया गया है, ये जो मृतक है ये इसकी युवती का निकट का रिश्तेदार था और इसके उनसे कुछ प्रेम संबंध थे शादीशुदा युवती से, जिसे उसके घर वालों को पसंद नहीं था और उसी कारण ये मर्डर किया गया। सर, क्या कि दोनों जब ये हत्या हुई तो ये घर में मिले थे दोनों? जो जैसा कि हत्या के बाद का सीन है उसमें निश्चित रूप से ये है कि जो युवती का घर था, ससुराल थी, उसके अंदर दोनों की हत्या की गई है। तो युवक इनके घर में आया था और वहीं पर जो इसे ससुराल वाले हैं उन्हें ऑब्जेक्शन भी लगा और उनके द्वारा इनके दोनों का मर्डर किया गया। हत्या को कारित करने वाले को गिरफ्तार किया गया? हत्या के जो कारित करने वाले तीनों लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, आला कतल बरामद किया गया, पूछताछ की जा रही है और बाकी वैधानिक कार्रवाई बाद में की जाएगी।